किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि हमारे सामने जो चीज मौजूद होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है तब हमें उसका पछतावा होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनस के वीडियोस। और दोस्तों, ये कहानी है एक बादशाह की जो अपने सिपाहियों के साथ एक जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ता है और शिकार करते करते वो अपने सिपाहियों से बहुत दूर चला जाता है और अपना रास्ता भटक जाता है। फिर वो परेशान होकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है कि इतने में कुछ लुटेरे वहां पर पहुंच जाते हैं और बादशाह को लूट कर चले जाते हैं। बादशाह का सारा सामान लूटते हैं, उसका घोड़ा, उसके हथियार, उसके जेवरात सब लूट कर चले जाते हैं। फिर बादशाह पूरे जंगल में अकेला हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, न मेरे पास खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी है और कुछ लुटेरे तो मुझे लूट कर भी चले गए। ये सोचते सोचते बादशाह एक रंग बिरंगे पत्थरों की वादियों में जाकर बैठ जाता है और अपने रात वहीं पर गुजारता है। बादशाह को रंग बिरंगे पत्थर बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो उन पत्थरों में से एक दो पत्थर उठाकर अपने पास रख लेता है। अगले दिन बादशाह जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और आखिरकार उस जंगल के बाहर का रास्ता मिल ही जाता है और वो एक शहर के बाजार में पहुंच जाता है और सबसे पहले एक हलवाई वाले की दुकान में जाता है और उस हलवाई वाले से कहता है कि मैं एक सल्तनत का बादशाह हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, जब मैं मेरी सल्तनत पहुंचूंगा तब मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। फिर हलवाई वाला कहता है कि ऐसा कैसा बादशाह कि जिसके कपड़े मैले कुचले हो, जिसके पास जेवरात भी ना हो, अगर तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए ही है तो तुम्हें इसकी कुछ कीमत चुकानी होगी। फिर बादशाह वो दो पत्थर उस हलवाई वाले को दिखाकर कहता है कि इन पत्थरों के बदले में अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो तो दे दो। फिर हलवाई वाला हंसता है और बादशाह से कहता है कि इन पत्थरों के बदले में तो तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा, चलो निकलो यहाँ से। उस हलवाई वाले की दुकान के पास में ही एक जौहरी खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था और फिर उसने बादशाह को अपने पास बुलाकर कहा कि अगर तुम ये पत्थर मुझे दे दो तो इनके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। बादशाह उन पत्थरों की तरफ देखकर सोचने लगता है कि ऐसा इन पत्थरों में क्या है कि जो ये जौहरी इनके बदले में मुझे 10,000 रुपए देना चाहता है। बादशाह को सोचता देख जौहरी कहता है कि चलो मैं तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20,000 रुपए दूंगा, लेकिन तुम किसी भी हालत में ये पत्थर मुझे दे दो। फिर बादशाह फिर से उन पत्थरों की तरफ देखकर सोचने लगता है कि सच में ऐसे इन पत्थरों में क्या है कि जो जौहरी मुझे 20,000 रुपए देना चाहता है। और बादशाह को फिर से सोचता देख जौहरी कहता है कि मैं तुम्हें 10 नहीं 20 नहीं बल्कि पूरे 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन तुम किसी भी हालत में ये पत्थर मुझे दे दो। और आखिरकार बादशाह उस जौहरी से पूछ ही लेता है कि ऐसा इन पत्थरों में क्या है कि जो तुम इनके बदले मुझे 50,000 रुपए देना चाहते हो। फिर जौहरी कहता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये दुनिया के सबसे कीमती पत्थरों में से एक है और ये सिर्फ जंगल की वादियों में ही मिलते हैं और आज तक इनकी वादियों तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। जौहरी की ये बात सुनकर बादशाह की आंख से आंसू निकलने लगते हैं और वो मन ही मन में अफसोस करने लगता है और कहता है कि है अफसोस, मैंने तो सिर्फ इनमें से 2 ही पत्थर उठाए जबकि मैं इनकी वादियों में सोया हुआ था। अगर काश उस वक्त मुझे इनकी कीमत पता होती तो अभी मेरा ये हाल नहीं होता। और कुछ ऐसा ही मामला आज हमारे साथ हो रहा है, हमारे सामने जो चीज मौजूद होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, फिर जब वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है तब हमें पछतावा होता है। जैसे हमारी सेहत, हमारी दौलत, हमारा वक्त, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, ये सारी चीजें अगर हमारे हाथ से एक बार निकल गई तो फिर इन्हें पाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हमेशा हमारे सामने जो चीज मौजूद है उसकी कदर करना सीखें, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इन चीजों से महरूम होते हैं। इसलिए हमेशा हमारे सामने जो चीज मौजूद हो उसकी कदर करें और ऊपर वाले का शुक्र अदा करें।